पिछले वीडियो में हमने देखा कि सनातन सत्य को हम टाइम फ्रेम यानी कि समय से हम जांच नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, वो कितना गलत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हिंदुइज्म या फिर कोई भी धर्म, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, वो सही है या झूठ है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? केवल वो पुराना होने से सच्चा नहीं होगा, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं इसलिए वो सच्चा नहीं होगा, उसकी इसकी तादाद ज्यादा है लोगों के मान्यता में इसीलिए वो सच्चा होगा, ये नहीं। कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो हमें बताएगा क्या वो वर्ल्ड व्यू यानी कि वो धर्म सच्चा है या झूठा है। तीन टेस्ट हैं, तीन परीक्षाएं हैं वो वर्ल्ड व्यू को, वो विश्वास को यानी कि वो धर्म को पास करना चाहिए यदि वो सच है। सबसे पहला, क्या वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है, मतलब उसके बयानों में विपरीत प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। यदि वो किताबों को मैं पढ़ता हूं तो एक बात ऐसा कहता है और उसका दूसरा बात उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो एम्पिरिकली एडिक्वेट होना चाहिए यानी कि जो वो शिक्षा हम पाते हैं उस धर्म से, उस विश्वास से, वो चीजों को हमें रियलिटी में, हमें दुनिया में दिखाई देनी चाहिए। तीसरा, एग्जिस्टेंशियली रेलेवेंट यानी कि जो टीचिंग्स, जो शिक्षा हमें उस धर्म से, वो किताबों से मिलती है, वो हमारे जीवन को कैसे जीना है क्या वो सिखाती है और हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव डालता है वो जानना बहुत जरूरी है। और ये तीनों टेस्ट के साथ साथ उस विश्वास को, उस धर्म को चार मुख्य सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, ओरिजिन मतलब शुरुआत, वो ये सवाल का जवाब देना चाहिए कि ये दुनिया कहां से आई और मनुष्य कहां से आए। दूसरा, मीनिंग यानी कि मतलब मकसद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ, इंसान के जीवन का मकसद और उद्देश्य क्या है। तीसरा सवाल, मोरालिटी हम यानी कि नैतिकता, हम किसके आधार पर किसी चीज को सही या गलत कहेंगे। और चौथा, डेस्टिनी, हमारे मृत्यु के बाद हम कहां पर जाएंगे। मैं क्यों मानता हूं क्रिश्चियनिटी बहुत ही सही है और मेरा बेस्ट चॉइस है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के जो शिक्षा है वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है यानी कि उनके कोई भी शिक्षा में आपस में प्रतिवाद नहीं है, वो रियलिटी को जैसा है वैसे ही प्रकट करता है और वो इंसान के कंडीशन से वो डायरेक्टली बात करता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहला, ओरिजिन यानी कि मनुष्य कहाँ से आया, ये दुनिया कहाँ से आई। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की और मनुष्य की सृष्टि की। दूसरा, मकसद, इंसान का मकसद क्या है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को पाएं, हम प्रेम को अनुभव करें और हम परमेश्वर की महिमा करें। तीसरा, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, वो हमें कहाँ से मिलता है। बाइबल हमको नैतिकता सिखाती है, वो कहती है तुम अपने आप से जितना प्रेम करते हो उतना ही प्रेम अपने पड़ोसी से भी करना। और अगर ये बयान को, ये दावा को कोई सीरियसली लेगा तो ये दुनिया में, आप रियलिटी की बात करें, कोई आपस में किसी को काटेगा नहीं, मारेगा नहीं, दोष नहीं लगाएगा, किसी को लूटेगा नहीं और किसी का कत्ल नहीं करेगा। और चौथा सवाल का जवाब है डेस्टिनी, हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा। इसका जवाब भी हमारे पास बाइबल में है, आश्वासन के साथ कि यदि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो हमारे लिए स्वर्ग है, और जिन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया है उनके लिए स्वर्ग नहीं बल्कि दूसरा रास्ता है जिसे नरक कहा जाता है। लेकिन जब हम हिंदुइज्म के बारे में बात करते हैं, अब ओरिजिन की बात कीजिए। हिंदुइज्म मानता है कि ये दुनिया जो है वो इटर्नल है यानी कि सनातन है, इसकी शुरुआत कभी भी नहीं हुई थी। अगर हम साइंस की ओर चलते हैं, विज्ञान हमको कहता है, बिग बैंग थियरी ये हमें बताता है कि दुनिया की शुरुआत ही एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हुई थी, और बाइबल से ये सहमत है, लेकिन हिंदुइज्म कहता है कि वो इटर्नल है। तो मनुष्य की शुरुआती और दुनिया की शुरुआती, ये ओरिजिन वाला सवाल हिंदुइज्म दे नहीं पाता है, लेकिन इस्लाम में इसका सवाल आपको मिलता होगा। तो आपको ये कंफ्यूजन होगी कि इस्लाम में तो है, तो क्या इस्लाम सही है। दूसरा हम सवाल की ओर चलते हैं, वो है मीनिंग यानी कि जिंदगी का मकसद क्या है। अगर आप जिंदगी का मकसद क्या है, आप जानेंगे क्रिश्चियनिटी में, मैंने आपको पहले ही बताया खुदा ने हमको इसीलिए बनाया ताकि हम उनके प्रेम को पाए, उनके प्रेम को उन्होंने प्रकाश किया है और उसको अनुभव करने के लिए हमने सृष्टि की है। लेकिन हम हिंदुइज्म के बारे में बात करेंगे, क्यों मनुष्य को बनाया गया, इसके काफी सारे बयान है वेदों में और सभी जगहों में, और इंसान सिर्फ अपने कर्मा को चुकाते रहता है। लेकिन इस्लाम के बारे में बात करेंगे, हम कुरान में पढ़ते हैं
अल्लाह ने मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए यानी कि वर्शिप करने के लिए बनाया। और कुरान कहता है कि परमेश्वर और मनुष्य का, खुदा का और मनुष्य का रिश्ता मालिक और नौकर वाला ही है, उससे बढ़कर नहीं है। मोरालिटी, हमें कैसा पता चलेगा क्या सही है या गलत है? जब हम बाइबल में चलते हैं, यीशु मसीह के पवित्र जीवन से हमें पता चलता है कि हमारा उदाहरण क्या है। और मैं जितना जानता हूँ, यीशु मसीह के पवित्रता के तुलना में और कोई शख्स इस दुनिया में मैं नहीं जानता हूँ। और चौथा, डेस्टिनी, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। जैसे मैंने बताया, क्रिश्चियनिटी आपको आश्वासन देता है कि यीशु मसीह में आपको स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश कर सकते हो। लेकिन जब हिंदुइज्म की बात करते हैं, हमने एक वीडियो बनाया था कर्मा के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को देखिए कि लॉजिकली वो कर्मा वाला जो टीचिंग है वो कंसिस्टेंट नहीं है। यानी कि आपका डेस्टिनी क्या है आपको पता नहीं, आप सिर्फ कर्मा में गोल गोल घूमते जाओगे। मोक्ष कब होगा आपको इसका कोई आश्वासन नहीं। और इस्लाम के बारे में बात करते हैं, इस्लाम भी कहता है कि मुझे पता, मोहम्मद खुद कहते हैं कुरान में कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। हदीस में वो कहते हैं कि मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन आश्वासन क्रिश्चियनिटी में आपको मिलेगा। बस केवल इतना ही नहीं, ये चार अल्टीमेट क्वेश्चन के साथ साथ जो तीन टेस्ट मैंने पहले बताए वो टेस्ट भी जो है क्रिश्चियनिटी पास करता है। और इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी दुनिया का एकमात्र विश्वास है जिसका बुनियाद आपको केवल थियोलॉजी उसमें ही नहीं बल्कि आपको ऐतिहासिक रूप में भी मिलेगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इतने स्ट्रांग हैं, बाकी कोई विश्वास का, वर्ल्ड व्यू का होगा इसका कोई सबूत मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो आप शेयर कीजिए। देयरफॉर आई एम अ क्रिश्चियन, इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं। और इसी तरीके से आप भी जान सकते हैं कि आपका विश्वास सच्चा है या झूठा है। आप दोबारा इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि हाँ, अगर हाँ, यीशु मसीह को आप स्वीकार करना चाहते हैं, छोटा सा प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी में आओ, मेरी जिंदगी को बदल दो, मेरी जिंदगी को आप ही चलाओ। ये प्रार्थना से प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपको भी आश्वासन देंगे, ओरिजिन हो गया है, जीवन की मीनिंग दे देंगे, मोरालिटी आपको बाइबल में मिल जाएगी और डेस्टिनी आपका स्वर्ग होगा। प्रभु आपको आशीष करें।